In this module, we are going to discuss a very interesting concept of asset turnover ratio. So, we have already discussed three different types of financial ratios, and we discussed that those three ratios help us in understanding the overall profitability or the financial performance of a company. Now, there is this new set of ratios which help us in understanding. How efficiently a company or a firm is operating in the market. So this gives you these types of ratios, which we are going to discuss now, are giving you a different information or understanding from a different perspective. So um, the first thing we are going to discuss in this uh, module is the concept of asset turnover ratio. It basically measures the value of a company's sales or revenues in terms of the value of its assets and this ratio can be used as an indicator of the overall efficiency with which a company is operating and utilizing its assets in order to generate the revenues so jitna asset turnover ratio high hoga utna hi company zyada efficient kha lai jitna asset turnover ratio key value low the company utna is kamatla company inefficiently kam kar rahi hai.

एफिशिएंसी ऑफ अ फर्म के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि ज़रूरी है क्रेडिटर uh, के लिए सारे तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए इन्वेस्टर्स के लिए जानना और इसकी बेसिस पे वो एक इन्वेस्टमेंट करें या नहीं या अपनी कंपनी को अगर कंपनी खुद एनालिसिस uh, करके अपने टर्न ओवर रेशोज़ निकाल रही है तो वो अंदाज़ा लगाएगी कि मुझे कहाँ अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है अपनी एफिशिएंसी को मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है So the फर्स्ट concept आई एम going टू डिस्कस विद यू is the कॉन्सेप्ट ऑफ receivable turnover ratio. So सो हाँ आपने देखा कि जो भी कंपनी कोई भी बिजनेस कर रही है तो वहाँ इमीजिएट पेमेंट्स नहीं होते तो पेमेंट्स जो हैं वो उसके लिए आप क्रेडिट के लिए अलाउंस देते हैं कि आप पेमेंट कर दें हमारे से अभी सामान ले जाए या हम आपसे कोई सामान लेने जा रहे हैं और आपके पेमेंट हम बाद में करेंगे उसके लिए यूजली थर्टी डेज से सिक्सटी डेज या नाइन्टी डेज़ तक का टाइम दिया जाता है तो अगर आप किसी को आपने किसी को सामान बेचा है और आपको जो बायर है उसने आपसे थर्टी डेज़ की पेमेंट के लिए टाइम मांगा है अगर आप थर्टी डेज़ में वो पेमेंट ले लेते हैं वो मनी आपके पास आ जाएगी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर थर्टी डेज़ से ज़्यादा के लिए क्लाइंट के पास ही पैसे पड़े हुए हैं उसने आपको पेमेंट नहीं की और आप उनने उसको उससे वो पैसे वापस नहीं लिए तो इसका मतलब है कि आप ज़ीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने उसको लोन दिया हुआ है भाई सो so, जितना भी डिले आएगा आपकी तरफ से उस पेमेंट को वापस लेने में उतना ही आपके लिए ये एक इनफिशेंसी है या आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है आपके फ़र्म के लिए कि आपका जो पेमेंट ड्यू है थर्टी डेज़ के बाद या सिक्सटी डेज़ के बाद आपके पास वो पेमेंट आएगी आप उसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें देने के लिए या रेंट रेंट पे करने के वास्ते या कुछ भी और मकसद के लिए वो आपने नहीं लिया वो आपके पास मनी नहीं आया तो देट टेल्स यू हाउ एफिशियंट और इन एफिशियंट यू आर एज अ कंपनी सो देर फॉर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के अकाउंट्स रिसिवेबल रेशो आपको बताती है कि हाउ क्विकली आर हाउ डिलेड यू आर टेकिंग द मनी फ्रॉम द अकाउंट्स दैट आर रिसिवेबल जो आपको मिलने चाहिए पैसे So, in terms of the proper definition, we um, can define this particular term as the uh, value, which is again a ratio. And it basically is the uh, value, uh, ratio obtained by dividing the value of net credit sales by the average accounts receivable. Or, when I, when I say average accounts receivable, it means that. मैंने बिगनिंग जो भी एनालिसिस का टाइम पीरियड है फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अ अयर तो आपने जनवरी के अंदर जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं उसकी वैल्यू लेनी है दिसंबर में उसी साल के दिसंबर में आपके पास जो अकाउंट्स रिसीवेबल की वैल्यू आई है आपने उसको कंसिडर करना है और फिर आप उसकी एवरेज को कैलकुलेट करेंगे और नेट क्रेडिट सेल्स से इस पर्टिकुलर एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स की वैल्यू को इस पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल गिव यू द वैल्यू फॉर रिसीवेबल टर्नओवर ओवर रेशो और जितना बड़ा वैल्यू है उतना एफिशिएंसी ज़्यादा शो करेगा का मतलब है कि आपका जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू नेट क्रेडिट सेल्स वो छोटा था तो आपके पास बड़ी वैल्यू आई है तो इसका मतलब है जो आपके सेल्स हैं आपके अकाउंट्स रिसिवेबल से तकरीबन बराबर हैं या सेल्स नेट क्रेडिट सेल्स आपके अकाउंट्स रिसिवेबल एवरेज वैल्यू ऑफ अकाउंट्स रिसिवेबल से बड़े हैं तो आपकी रिसिवेबल टर्नओवर ओवर रेशो की वैल्यू लार्ज आएगी so uh, I'll give you an example here. These values that you are seeing in this example have been taken from the um, company ABC's balance sheet, which I showed you earlier when we discussed the concept of balance sheet. ke balance sheet kaise banti hai uske liye humne ek hypothetical company liya tha to uski uh, balance sheet से ये values लिए हैं. Uh, again, beginning of the time period के ऊपर जो हम analysis, जिस time period के ऊपर कर रहे हैं, उसका beginning के ऊपर value था. अकाउंट्स रिसिवेबल का फिफ्टी डॉलर एंड ऑफ दैट टाइम पीरियड अकाउंट्स रिसिवेबल का वैल्यू हुआ सिक्सटी डॉलर आपने उसका एवरेज निकाला सम करके डिवाइड बाई टू किया नेट क्रेडिट सेल्स आपने वैल्यू ली उसको आपने ये जो अभी आपने एवरेज कैलकुलेट की थी तो उससे कैलकुलेट हुआ तो रेशो निकाला आपने देट टर्नस आउट टू बी थ्री पॉइंट सिक्स इज़ द वैल्यू फॉर द रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो एंड वैन वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट वॉट दीज वैल्यूज़ आर वट दीज वैल्यूज़ आर वट डू दे मीन तो हम देखते हैं कि कंपनीज जो कि अकाउंट्स रिसिवेबल डिलेड रखते हैं उनको uh, वापस नहीं लेते इसका मतलब है कि वो ज़ीरो इंटरेस्ट के ऊपर आप एक्सटेंड कर रहे हैं लोन और उससे अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं और अगर कोई भी इफ़ अ कंपनी जनरेट्स अ सेल टू अ क्लाइंट यूजली वी सी दैट दिस पर्टिकुलर सेल की पेमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू थर्टी और सिक्सटी डेज इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट के लिए पेमेंट के लिए आप क्लाइंट को थर्टी टू सिक्सटी डेज ऑन एवरेज प्रोवाइड करें लेकिन अगर रिसिवेबल आपने नहीं लिए और इससे भी टाइम पीरियड ज़्यादा चला गया तो इसका मतलब है आप एफिशियंटली अपनी कंपनी को ऑपरेट नहीं करे एंड दैट शोज हाओ एफिशियंट और इनएफिशियट यू आर इन रनिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी